खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर एसपी ने डीडवाना पावर हाउस के अंतर्गत जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था उसका खुलासा कर दिया है, और खुलासा करने के बाद में चार अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है। किस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी की गई है, कैसे इनको पकड़ा गया और मामला क्या कुछ बयां कर रहा था, इन सभी की जानकारी देखिए सीधा हमारे इस रिपोर्ट में। दौसा जिला पुलिस ने विगत दिनों डीडवाना पावर हाउस में हुई लूट का पर्दाफाश करके अंतर्राज्यीय गैंग के चार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई पिकअप कॉपर में वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टा बरामद है। पुलिस अधीक्षक दौसा अनिल बेनीवाल ने बताया कि 1 फरवरी को सुबह पुलिस थाना लालसूट पर सूचना मिली थी कि रात को अज्ञात मुलजिमान पावर हाउस डीडवाना के गार्ड राजेंद्र सैनी को देशी कट्टे की नोक पर बंधक बना करके पावर हाउस में रखे ट्रांसफार्मर के कॉपर व पिकअप नंबर को लूट करके ले गए थे, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज संजय कुमार श्रोत्रिय के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए वे अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लालचंद कायल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकरलाल मीना वृत्ताधिकारी वृत्त लालसोट व अंकेश कुमार उप निरीक्षक थानाधिकारी लालसोट को मौके पर पहुंचने हेतु निर्देशित भी किया है। इनके द्वारा मौके पर पहुँच करके घटनास्थल का मौका मुआयना करके हालात अर्ज किए, जिनके नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन भी किया गया है व जिला साइबर सेल की टीम को मौके पर पहुंचने के लिए निर्देश भी दिए गए थे। इनके द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन करके अलग अलग थानों की टीमों का गठन भी किया गया और अज्ञात मुलजिमान को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार करने व शत प्रतिशत माल बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए थे। चार लोग हमने उसमें आइडेंटिफाई किए, जिसमें से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तीनों हैं ये दो इनमें से भरतपुर नगर के रहने वाले हैं और एक अलवर सदर इलाके के ककराली गांव का रहने वाला है। ये मुलजिम है, इनका नाम है वारिफ छक्का, जिसका मेन प्लानर है। उसके बाद मोहब्बत एक अफसर और एक अभी अभियुक्त इनके अंदर बाकी चल रहा है। चार में से तीन हमने अरेस्ट कर लिए हैं। जो कोपर इन्होंने बेचा था जिस कबाड़ी को, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, वो भी पहाड़ी भरतपुर का रहने वाला है। और जो पिकअप इन्होंने लूटी थी उसको भी बरामद कर लिया गया, और जो हथियार इन्होंने यूज़ किया था उस वारदात में उसको भी बरामद कर लिया है। अभी इनकी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसके अंदर इन्होंने जयपुर, अलवर, अजमेर, अपने नागौर, दौसा, भरतपुर, हरियाणा, मतलब अंतर्राज्यीय गैंग टाइप की है ये, जो मतलब विद इन राजस्थान और आउटसाइड राजस्थान भी ये लोग ऑपरेट करते हैं। बाकी इनसे पूछताछ। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।